सबका स्वागत है कोमल्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं कनौली। आपने बचपन में बहुत क्रीम रोल खाए होंगे और हर तरीके से मीठा खाया होगा। अब आप घर पे बनाइए अपने मिनी क्रीम रोल। और जिसे बनाने के लिए चाहिए हमें कनौली, बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, एक चम्मच शक्कर चाहिए, एक चम्मच बड़ा हमें घी चाहिए। आप तेल भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें घी डाला है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इसमें पीसी भी शक्कर यूज़ किया है मैंने एक चम्मच। एक कटोरी हमारा मैदा है और हमने इसमें घी डाला है एक बड़ा चम्मच। और आप ग्राम में लेंगे तो 50 ग्राम मैंने घी लिया है, 150 ग्राम मैंने मैदा लिया है और एक चम्मच बड़ा मैंने पीसी भी शक्कर ली है। अच्छे से हमारी इसमें मोयन लग गई और अच्छे से बांधने पर वो बन भी जा रही है। हम इसे थोड़ा सा पानी लेके टाइट डो तैयार कर देना है। मेरा अच्छा सा एक डो तैयार हो गया है। अब हम इसकी लोई बना के बड़ा सा बेल देंगे रोटी के आकार का। मैंने एक बड़ी सी लोई बना ली है, उसमें मैं सूखा मैदा लगा दूंगी और इसे रोटी के आकार का हमें बेल देना है। बहुत पतला नहीं बेलना है ना बहुत मोटा बेलना है। ये मैंने एक ही लोई बनाई है। मैंने रोटी के आकार का बहुत बड़ा सा बेल दिया है, इसे पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पकड़ के दिखाया है, इतना मोटा हमें बनाना है। और हमें अब गोल गोल सर्कल काट देने हैं एक गिलास या रिंग के सहारे से। मैंने गिलास लिया, आप रिंग भी ले सकते हैं, साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। ऐसे करके मुझे सारे सर्कल बना देने हैं। मेरे सारे रिंग कट गए हैं, इसका जो एक्स्ट्रा आटा है हमें निकाल देना है। मैंने फ्रेशअप को अंदर से अच्छा सा मोटा सा लेके और ऐसे मैंने रोल तैयार किए हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे रोल तैयार किए हैं, ऐसे आप भी तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आपके पास सांचा है तो अच्छी बात है। अभी लॉकडाउन पीरियड चला है तो मेरे पास सांचा नहीं मिला तो मैंने हाथ से ही बना लिया ऐसे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें कैसे बनाना है। लिया रोटी को, ऐसा लिया, इधर से रखा आपने, इधर से हमें पानी लगाना है अच्छे तरीके से। और जो दूसरी रोटी है उसका ऐसा हमें चिपका देना है। ऐसे करके मुझे सारी कॉलोनी को बना डालना है। कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है जिसमें मैंने अच्छी क्वांटिटी में तेल डाला है। वो हल्का सा हीट कर गया है। जो इससे हम कॉलोनी को बनाए थे उसे हमें हल्का हल्का ऐसे डालते जाना है। बहुत तेज गर्म में नहीं डालना है वरना हमारी कॉलोनी जलने लगेंगी। ये चार पाँच पाँच पीस आप डाल सकते हैं, आपकी कढ़ाई छोटी है तो, और बड़ी है तो आप ज़्यादा पीस भी डाल सकते हैं। ये हमारी कॉलोनी बन रही है, हल्की हल्की से कम आँच पे बनाना है जैसे डार्क ना हो जाए। और हल्के हाथों से इसे पलटाते जाइए ताकि दोनों तरफ से अच्छे से वो बैक हो जाए। हमारी सारी कॉलोनी अच्छे से सिक चुकी है। अब हमें गैस से निकाल देना है और इसे ठंडा करना है। मैंने इसे कढ़ाई से निकालना दिया है, गुलाबी हो गई है अच्छे से। ये देखिए मेरी सारी कॉलोनी बन गई है। इनके अंदर जो रैपिंग है ना वो हमें इस रैप को ऐसा प्रेस करना है और धीरे धीरे आप खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएंगी और हम इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। चॉकलेट है वो मैंने मेल्ट करके रखा है, ये लाइट चॉकलेट है। ये डेयरी मिल्क चॉकलेट रहता है उसे भी आप मेल्ट कर सकते हैं। ये डार्क चॉकलेट और लाइट चॉकलेट को दोनों बराबर क्वांटिटी में लिया है, उसे मैंने डबल बॉइल करके रखा है जो मैंने अपने आई बटन में डाल के रखा है। आप इसका वीडियो देख सकते हैं। और हमें इन्हें हल्के हल्के से डिप करना है कि ताकि इसकी हल्की सी ऐसे कोटिंग लग पाए। ऐसे करके मुझे सारे में लगा देना है। मैंने सारी कॉलोनी में चॉकलेट लगा दिया है। अब एक एक कॉलोनी को हम हाथ में पकड़ेंगे और मैंने टाइपिन बैग में मैंने व्हिप्ड क्रीम डाल के रखा है। अब हमें इसके अंदर तक हमें व्हिप्ड क्रीम भर देना है, दोनों साइड से हमें भर देना है। आप देख सकते हैं इसी तरह हमें सारे को तैयार कर देना है। इसे आप अपने घर पे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर करिए। कोमल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।